नमस्कार, मैं हूं आरती और आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। शुरुआत करते हैं इस वक्त की 10 बड़ी खबरों के साथ। खबर इस वक्त की, हरियाणा से पत्नी और 3 बच्चों का कत्ल कर खुद की जान दी पति ने, मोक्ष के लिए किया कत्लेआम। लिंचिंग के एक दिन बाद स्वर्ण मंदिर पहुंचे पंजाब मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी, बेअदबी पर 2 दिन में SIT देगी रिपोर्ट। ओमिक्रॉन को लेकर बड़ा फैसला, दिल्ली में अब हर कोरोना मरीज के सैंपल की होगी जीनोम सीक्वेंसिंग। गोवा चुनाव की अजब गजब कहानी, पिछले चुनाव से अब तक 50% से ज्यादा MLA बदल चुके हैं, पार्टी अपने आप में बड़ा रिकॉर्ड है। LOC के पास कई सेक्टरों में पाकिस्तानी की गोलाबारी, 6 नागरिकों की हुई मौत, 6 जवान हुए शहीद। बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा ने दी सफाई, कहा पोर्नोग्राफी के प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन में मेरा कोई हाथ नहीं, बदकिस्मती है कि मीडिया और परिवार ने मुझे पहले ही दोषी मान लिया था। दिल्ली की हवा में हुआ सुधार, NCR में कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी और ट्रकों की एंट्री पर लगाई गई रोक को हटाया गया। ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों के चलते जर्मनी ने सख्त किए यात्रा नियम, UK से आने वाले लोगों को 14 दिन रहना होगा क्वारंटाइन। पुणे में बोले गृह मंत्री अमित शाह, मोदी जी संविधान को ही अपना ग्रंथ मानकर चला रहे हैं देश। चेन्नई से बड़ी खबर, रिश्तेदार हो या टीचर, भरोसा किसी पर नहीं, माँ की कोख और कब्रिस्तान ही सबसे सुरक्षित जगह है, एक लड़की का चौंकाने वाला मिला सुसाइड नोट। यदि अब तक की खास बड़ी खबरें, कल फिर हाजिर होंगी और फिर नई और ताजा खबरों के साथ। देखते रहिए SMZ News India।